बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जी, कल इतनी ज़्यादा धुंध थी, धुंध की वजह से इतनी सर्दी थी हमारे पास बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, जो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा अभी भी सर्दी है। इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, तो इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं था बना पाया। इसलिए मैंने सोचा कि यार आज सर्विस भी थी अच्छी नहीं आ रही, धूप भी नहीं लगी हुई। पता नहीं धूप की धुंध की वजह से सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी थी हमारे एरिए की, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया और वीडियो को अपलोड भी नहीं मैंने किया। इसलिए बनाई नहीं थी मैंने वीडियो। मैंने सोचा कि बनाने का क्या फ़ायदा, अगर आएगी नहीं सर्विस ही नहीं होगी, तो सर्विस पता नहीं कितने दिनों के बाद चलेगी जाकर सर्विस। लेकिन आज चल गई है, आज इंशाल्लाह सुबह ही वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। तो अभी देखे जी, मैंने अपने स्टाले को काटने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये दात्री पड़ी हुई है और यहाँ पर हमने छोड़ा थे पट्ठे, ठीक है, इनका टक जिसे बोलते हैं पंजाबी में। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ, ये देखिए, यहाँ से सीधा बिल्कुल उस एरिए तक हमने छोड़े थे, ठीक है। आगे चले गए हुए हैं, लोगों ने काटे है चोरी, ठीक है। ये बहुत गलत बात है कि जो चोरी काट लेते हैं बिना इजाज़त के, बिना पूछे, इतना बुरा लगता है कि दिल करता है उसको पकड़ करना जाए, फिर उसको मारो पीटो उसको, या फिर उसको कुछ ना कुछ गांव वालों को बताओ यार इसने इतना बुरा किया, अगर पकड़ा जाए तो। इसलिए यार सोचो कि अगर यार सर्दी में अगर पट्ठे हैं आपके भी हैं, अगर छोटे हैं तो किसी से मांग लो। मांगने में हम लोग क्यों नहीं दे रहे आप? कल भी एक लड़का आया था, उसको भी हमने दिए थे, उसने बोला कि यार भाई मुझे पट्ठे चाहिए। हमने बोला काट लो। उससे पहले भी एक देने के लिए आदमी आया था, उसने बोला भाई मुझे पट्ठे चाहिए, उसको भी दे दिए थे। यार मांगने में क्या हर्जा, पूछ कर काट लें, यहाँ से जितने मर्जी काट लें हमसे पूछ कर। ऐसे चोरी काटने का क्या फ़ायदा हमें बताएं ना, ना तो हमारा फ़ायदा है, आपका नुकसान ही हो रहा है। हम लोग पीछे से गालियाँ दे देते हैं, बदुआएँ दे देती है, इसलिए आपको जाकर लग जाती हैं। ये बुरी बात है, ऐसे ना किया करें। पूछ लिया करें किसी से पूछ कर, जितनी मर्जी चीज़ ले लें, अगर वो राज़ी है, अगर राज़ी है तो उससे पूछ कर जितनी मर्जी काट लें, आपकी खुशी उसकी खुशी, ठीक है। अगर आप उसके इसी चोरी काट के ले जाएंगे, कोई चीज़ ले जाएंगे चोरी उठाकर, तो उसको इतना बुरा लगेगा, दिल करता है उसको इसको अभी से ख़त्म कर दो इसी आदमी को। इसलिए भाई एहतियात करें, किसी से पूछ लें, किसी की इजाज़त ले लें, इजाज़त के बिना किसी का नुकसान मत करें। किसी को क्या फ़ायदा, आपको अगर काट कर ले गए, क्या आपकी भैंस ने खा लिए? वो पीछे जो बंदा है जिसके काटे हैं, वो गालियाँ दे रहा है, बुरी बातें कर रहा है आपसे, आपने चोरी काट ली उनके पट्ठे, इसलिए मत काटा करें, बुरी बात है। तो ये बातें लंबी हो चुकी है, कोई और बात सुनाते हैं आपको। तो ये गंदम हमारी देख रहे हैं आप लोग, आज तो नज़र आ रही है आपको, ये देखिए यहाँ से ब्लैक है जिसको बहुत ज़्यादा सब्ज़ है, वहाँ पर सब्ज़ नहीं है, ये देखिए इसका ऐसे कलर हो चुका है, और ये वाली है ये इसका एक जैसे कलर है। ये बहुत बुरी बात है ना, ये देखें, ये जो हमने स्प्रे डाली हुई ना गंदम के अंदर जो होता है, सिटी दुम्बी हो गई, कुछ और हो गया, जो कि गंदम अच्छे तरीके से नहीं होने देती, उसकी स्प्रे डाली थी उसने फट के स्प्रे ना गंदम का जो पंजाबी में बोलता है बी मार दिया है, तो खुद तो मरी नहीं, गंदम का बी मार दिया उसने, स्प्रे भी ख़त्म, इतनी बुरी स्प्रे थी। हमने बोला सब लोग कर रहे हैं इसे, हम लोग करके देखते हैं, लेकिन बहुत बुरी स्प्रे निकली है, उसने गंदम को रोक दिया एक जगह पर। वो फाइनली अभी छोड़ते हैं सब भी सारी बातों को, अभी पट्ठे हमारे जो है भाई भी आ रहे हैं, वो आ चुके हैं, वो ट्यूबवेल की पिछली साइड पर आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, हाँ वो हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, वो उनके पास रेड़ा है और लेकर आ रहे हैं। तो टाइम ज़्यादा नहीं है, पट्ठे काटते हैं, काट के बाद में फिर व्लॉग बनाएंगे। वो देखे जी चूहा, कितना बड़ा चूहा है, वो पानी के अंदर रहते जैसे, इसे यहाँ पर हम लोग पंजाबी में बारला बोलते हैं, उसी तरह है। ये बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है, शायद नज़र भी आ रहा है, और ये देखिए, ये देखिए, ये जा रहा है, कितना बड़ा है, ये देखिए पानी से ना इससे भागा बड़ी जा रहा है।
सर्दी लग रही है इसको। रुक जाओ मारू मन को, मैं यहीं पर रुक जाओ, रुक जाओ। ये देखिए जी मैंने उठा लिया इसको, देखिए कितना बड़ा है ये चूहा, ये फिर से जा रहा है। ये देखिए देखिए क्या कर, क्या जाने तो नहीं मैं दूंगा।